तो तू भी देख लेता। अब मेरे महबूब के दिल को हमने उससे कहीं बढ़कर जलवागा बनाया है। तो मूसा, मेरा महबूब आए तो इसे खूब जी भर के देख लेना, इसे जी भर के देखना, मेरा जलवा हो जाएगा, मेरा दीदार हो जाएगा। तो न सिर्फ फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आका को देखा, फिर वापस गए, पलट के आए, फिर भेजा, फिर देखा। तो जितनी बार दुआ की थी, हर हर दुआ के इवज एक बार दीदार नसीब हो गया, हर दुआ के इवज एक दीदार नसीब हुआ। तो लोग कहते हैं कि आका ने अल्लाह को न देखा, हम कहते हैं कि भाई देखना तो बाद की बात रही, वो तो देख कर आए, और देखा क्या ना, वो देखने वालों को दिखा भी गए, खुद भी देख कर आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने अंदर से दिखा भी गए, अपने अंदर से। तो हुजूर मजहर कामिल हो गए, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, के सब कुछ तुम्हारे अंदर तो है, देखते क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर ही तो है, देखते क्यों नहीं। इस आयत के मजर अतम शबे मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम हो गए, और फिर आका को यह शान दायमी नसीब हो गई। क्या दायमी नसीब हो गई? इसलिए नीचे आए तब भी फरमाया मर्रानी फकदराल हक, मर्रानी फकदराल हक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देख लिया, जिसने मुझे देखा उसने। तूर अगर बरकरार रहता तो चंद लम्हों के लिए रहता जलवागाह बनकर, अगर तूर बरकरार रहता तो चंद लम्हों की जलवागाह बनता, मगर आका बरकरार हुए उम्र भर की जलवागाह बन गए। आका ऐसे बरकरार हुए कि उम्र भर की जलवागाह बन गए, और आज तक आकाए दो जहां उसके हुस्ने जात की जलवागाह है। और फरमाया मर्रानी फकदराल हक, जो आज भी मौला को देखना चाहे वो मुझे देखे, मेरे अंदर उसका जलवा नजर आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैजान में से हमें और हुजूर की पूरी उम्मत को हिस्सा अता फरमाए। वमा अलैना।